वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज बैक टू बैक वीडियो शूट हो रहे हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि सेम शर्ट है, सेम टी शर्ट मैंने पहना है। इसके पहले मैं रिकॉर्ड किया था मेरा हेलमेट सेटअप का वीडियो, और अभी ये वीडियो है राइडिंग ग्लव्स के बारे में। पहले मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में राइडिंग ग्लव्स के बारे में। पहला ग्लव्स मैंने लिया था स्किमिटार के तरफ से, जो है 1500, वो इमेज मैं डालूंगा यहाँ पे साइड में, 1500 कुछ था। बहुत ही बढ़िया राइडिंग ग्लव्स था, लेकिन प्रोटेक्शन थोड़ा कम है, पूरा मेशी था और प्रोटेक्शन थोड़ा कम, बट इट वाज अ वेरी गुड ग्लव्स। आई थिंक शॉर्ट राइड्स यानी सिटी में ऐसा यूज़ कर सकते हो उसको, बहुत ही बढ़िया और कम्फर्टेबल ग्लव्स है। उसके बाद मैंने लिया है ये ग्लव्स, ये है BBG के तरफ से, बाइकिंग ब्रदरहुड, यस। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 3200 कुछ था, 3000 रुपीज़ शायद। बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ था इस ग्लव्स को लेके, और मैं सिर्फ दो बार यूज़ किया था, और विद इन वन वीक आई हैव यूज्ड इट फॉर टू टाइम्स, और तभी मेरे को इश्यूज आ गए थे। फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोकस, ये ऊपर का निकल गया है, पूरा का पूरा निकल गया है, और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये प्लास्टिक है या एल्यूमिनियम पता नहीं, ये और ये पता नहीं, बट ये अंदर से कवर्ड नहीं है। बेसिकली आप जब इसको पहली बार पहनोगे तो बहुत ही कंफर्टेबल दिखता है, बेसिकली इनिशियली बहुत कंफर्टेबल लगता है आपको, और वार्म भी लगता है क्योंकि पूरा लेदर वाला है। आप समझोगे कि ये बहुत ही बढ़िया ग्लव्स है, बट थोड़ी देर के बाद आप जब आपका हाथ निकालोगे बाहर तो पूरा रेडनेस आ जाता है। ये क्यों बताता हूँ, ये जो जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, जो लेदर के बीच में जॉइंट्स है, जो स्टिचिंग, उसका अंदर का पार्ट जो है वो जाके आपको हाथ को रब करते हुए रहेगा। जब आप चला रहे हो तो कॉन्स्टेंटली वो रब होते रहता है, और ऊपर से ये जो मेटल है या एल्यूमिनियम पता नहीं, प्लास्टिक भी हो सकता है, ये आपको नकल्स को हर्ट करेगा। आई थिंक मैं एक वीडियो का लिंक डालूंगा, जो मेरा ही वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो वीडियो में जाके देख सकते हो। वो मेरा पहला वीडियो था इस ग्लव्स के साथ, और उसी राइड में मैं मेरा हाथ बताया था, पूरा लाल हो गया था। उसके बाद मैं इसको फेंक दिया, मेरे कबर्ड में फेंक दिया, मैं यूज़ कभी भी नहीं किया, और तब से पड़ा हुआ है। फिर जाके मैंने रेनॉक्स के ग्लव्स लिए, जो कि ये है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। वन ऑफ द बेस्ट और कंफर्टेबल और प्रोटेक्टिव ग्लव्स मैंने देखा है इसका, और जब मैं लिया था इट वाज लाइक 3200 रुपीज़, और रेनॉक्स की तरफ से, बेसिकली मेरा जैकेट भी रेनॉक्स की तरफ से है। मैं जब इसको लिया और मैं राइड पे गया, देन आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, कुछ पेन नहीं, कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं, और बहुत इजी है। ये जो ग्लव्स है, आपको इसमें एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, क्लच का पता ही नहीं चलता है कि कितना आपने दबाया है और कितना नहीं, बट इसमें आपको इजीली पता चलता है कि कितना आप दबा रहे हो ब्रेक को, और क्लच कितना दबा रहे हो, और एक्सेलरेशन कितना दे रहे हो। फीडबैक इसमें बहुत ही बढ़िया है, और ये मोबाइल के साथ भी काम करता है, टच के साथ भी काम करता है, ये और एक बेनिफिट। और प्रोटेक्शन तो बढ़िया है, ये देख सकते हो रबर पैडिंग है इसमें, ये है एल्यूमिनियम पता नहीं क्या है, जो मैं टेस्ट भी नहीं किया, बट दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है, ऊपर नकल्स के लिए भी प्रोटेक्शन है, और फिंगर्स के लिए भी प्रोटेक्शन है, और ये बहुत तगड़ा वाला है।
इसमें एक की डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर ठंड में चला रहे हो तो यहाँ पे मेश है जिससे आप क्या हाथ को ठंड लग सकता है, बट इट्स बेरेबल, चलेगा। अगर आपको आपके बाइक पे अगर नकल गार्ड्स हो देन उससे काम चल जाएगा, बट वन ऑफ दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैव डन ऑन अ ग्लव्स। सो आई थिंक अब से यही मॉडल यूज़ करूँगा। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो फिर मैं सेम मॉडल लूँगा। आई थिंक आई डोंट नीड टू चेंज, आई एम दैट सेटिस्फाइड विद दिस ग्लव्स, और ये लाइफ लॉन्ग पड़े रहेंगे मेरे ड्रॉ में और मैं यूज़ भी नहीं करूँगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट में ही आपका हाथ दुखना शुरू हो जाएगा इसमें इससे। सो आई थिंक ये आपको ऑफर में भी मिलेगा क्योंकि बहुत सेल नहीं है इसका ये मॉडल। बेसिकली मैं BBG के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस BBG ग्लव्स के मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि BBG के मैं मेरे फ्रेंड बहुत सारे फ्रेंड्स BBG के जैकेट्स यूज़ कर रहे हैं और राइडिंग पैंट्स यूज़ कर रहे हैं विच आर वेरी गुड, बट दिस मॉडल ऑफ ग्लव्स इज़ द वर्स्ट आई हैव एवर सीन। आई थिंक इट माइट बी ये डिज़ाइन डिफेक्ट रह सकता है और या फिर टेस्टिंग डिफेक्ट रह सकता है, पता नहीं, बट वन ऑफ द हॉरिबल ग्लव्स। इतना इस वीडियो में, एक्चुअली बैक टू बैक प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था इस प्रोडक्ट्स को लेके, और ये आपको हेल्पफुल होगा। सो अगर हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स आने वाले हैं, ब्राइट्स तो रहेंगे। सो या इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।